नमस्कार, जानेंगे कि इस कारोबारी सप्ताह जो मेजर नॉन एग्री कमोडिटीज़ हैं जैसे गोल्ड और सिल्वर, बेस मेटल्स और कच्चा तेल और नेचुरल गैस, इनमें क्या रुझान देखने मिलेगा। शुरुआत गोल्ड और सिल्वर से करते हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा कि गिरावट का रुख देखा गया था गोल्ड और सिल्वर में, हालांकि हफ्ते का क्लोजिंग आते आते हमने बढ़त के साथ क्लोज होते हुए देखा, तो एक मिला जुला सा कारोबार पिछले हफ्ते देखा गया। हालांकि इसके पिछले हफ्ते जब CPI का डेटा US से आया था, जहां पर ज़बरदस्त इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी देखी गई थी, या अगर हम ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ कहें तो 8.6% की इंक्रीज़ हमने CPI इन्फ्लेशन में आते हुए देखी थी, तो उसके बाद गोल्ड में बड़ी बढ़त देखी गई थी और हमने लगभग 50,400 के लोज से लगभग 51,700 की क्लोजिंग देखी थी। तो ऐसा देखा गया था कि एक तरह से अच्छी खासी तेज़ी लौटेगी, लेकिन हमने पिछले हफ्ते दोबारा दाम को इनिशियली एक या दो दिन में जो इस पिछले हफ्ते की शुरुआत में गिरते हुए देखा और 50,300 के नए लोज भी बनते हुए देखे, उसके बाद हालांकि निचले स्तरों से दोबारा एक तेज़ी का रुख आता हुआ देखा है। तो हम अगर पिछले 2 या 3 महीनों का जायज़ा लें तो हमने लगातार 50,000 के करीब से ख़रीदारी आते हुए देखी है, या $1,800 के काफ़ी करीब जाकर बार बार जो प्राइजेस हैं उन्हें रैली करता हुआ देखा है। इस समय भी हमने देखा कि $1,803 के करीब जाकर लगभग $1,858 के हाइज बनते हुए देखे। तो निचले स्तरों पे डेफिनेटली गोल्ड में बाइंग अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन ऊपरी स्तरों पे वहीं पर $1,870 से $1,880 के करीब जब जाती हैं दाम, तब उसके बाद हमने लगातार एक गिरावट का दौर भी देखा है। तो एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन जिसे कहते हैं, या एक दायरे का कारोबार देखा गया है गोल्ड में, और ऐसा लगता है कुछ समय तक ये जारी रहेगा। इमीडिएट तौर पर अगर देखा जाए तो फिलहाल क्योंकि डॉलर में अभी भी मजबूती बनी हुई है, चाहे वो भारतीय बाज़ारों में हो चाहे या डॉलर इंडेक्स में हो जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में ट्रेड होता है यूरो, पाउंड और येन के अगेंस्ट, वहाँ पर भी हमने काफ़ी अच्छी खासी बढ़त के साथ हफ्ते का क्लोज आते हुए देखा है। तो ऐसा लगता है कि गोल्ड और सिल्वर पे ऊपरी स्तरों पे दबाव बना रहेगा। $1,880 का निकलना थोड़ा यहाँ से डिफ़िकल्ट लग रहा है, या मैं कहूँ कि 51,800 के जो स्तर देखे गए थे 2 हफ्ते पहले, उसे निकालना प्राइस का डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पर अगर ऊपरी स्तरों के आसपास प्राइस मिले तो दोबारा एक बार बिकवाली करके चल सकते हैं। हालांकि इमीडिएट तौर पर जो प्राइस का लेवल है, सपोर्ट का लेवल है, वो 50,500 का होगा, और उसके बाद अगर दाम गिरते हैं तो मैं समझता हूँ कि 50,100 तक के जाने की उम्मीद होगी। हालांकि इमीडिएट तौर पर वहाँ पर भी डाउनसाइड लिमिटेड हो सकता है, या $1,810 से $1,800 के बीच जाके दाम दोबारा रुकेंगे। तो एक मिला जुला कारोबार होगा। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि गोल्ड जो है वो इन्फ्लेशन का हेज माना जाता है, यानी जब भी महंगाई बढ़ती है तब गोल्ड में भी निवेश मांग बढ़ती है। सेकेंडली, एक सुरक्षित निवेश की तरह भी गोल्ड को लिया जा सकता है। हमने देखा कि पिछले हफ्ते इक्विटी मार्केट्स में वन ऑफ द वर्स्ट वीकली डिक्लाइंस देखा गया, जहां अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में US मार्केट्स जो हैं वो लगभग 6% की गिरावट के साथ क्लोज दिया है। वहीं पर भारतीय बाज़ारों में भी करीबन 3 से 3.5% की गिरावट हमने निफ्टी और सेंसेक्स में आते हुए देखी है। तो जब ऐसा माहौल होता है, हम जनरली देखते हैं कि शुरुआती दौर में गोल्ड में नरमी आती है, लेकिन निचले स्तरों से दोबारा जो एक सुरक्षित निवेश की मांग है वो उभर के आती है। तो इस वजह से बढ़ते डॉलर और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच, क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं वो फंसे हुए हैं, इस वजह से एक दायरे का कारोबार हो रहा है, और ये दायरा काफ़ी बड़ा है, और ऐसा लगता है कि ये जो रेंज बाउंड ट्रेड है ये कुछ समय और जारी रहेगा। वहीं पर चांदी में हमने देखा कि जहाँ एक तरफ गोल्ड में ऊपरी स्तरों पे दबाव का माहौल था, वहीं पर बेस मेटल्स में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट थी, जिसके चलते चांदी ने भी 60,000 का जो सपोर्ट था वो मोमेंटरीली ब्रेक किया था। एक दिन हमने लगभग 59,300 तक भी जाम जाते हुए देखे, लेकिन उसके बाद हमने बढ़त के साथ कारोबार होते हुए देखा और लगभग 61,600 से 61,700 तक के भी दाम आते हुए देखे। हालाँकि उसके बाद हफ्ते का क्लोज आते आते हमने कहीं ना कहीं एक गिरावट आते हुए देखी है। यहाँ पर भी मिला जुला रुझान रहेगा। डेली क्लोजिंग बेसिस 60,000 से 60,200 का एक क्लोजिंग बेसिस सपोर्ट है, और अपसाइड जो है वो 62,000 से 62,500 के बीच सीमित है। तो यहाँ पर भी दायरे का कारोबार रहेगा। आने वाले हफ्ते में अगर 62,500 के करीब लेवल जाते हैं तो वहाँ से ऐसा लगता है कि दोबारा प्राइसेस गिर सकती हैं। इसलिए क्योंकि हम रेजिस्टेंस के करीब हैं, मेरा मानना है कि यहाँ से बिकवाली करके चल सकते हैं। हालांकि जो डाउनवर्ड मूव है वो भी सीमित रह सकता है या लिमिटेड रह सकता है 60,000 से 60,200 के करीब। वहीं पर अगर बेस मेटल्स का जायज़ा लें
क्योंकि हमने अभी चांदी की भी बात की और बेस मेटल्स का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट चांदी पे आता है क्योंकि चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। तो बेस मेटल्स में हमने कॉपर में बहुत बड़ी गिरावट आते हुए देखी है। पिछले हफ्ते हमने ये डिस्कस किया था कि क्योंकि 790 के नीचे की क्लोजिंग आई है, इनफैक्ट 780 के स्तर भी तोड़ दिए थे हमने, 765 से 760 तक के स्तर के टारगेट्स दिए थे उसको भी हमने एक्सीड होता हुआ देखा, और हमने देखा कि 740 के करीब की क्लोजिंग है जो पिछले एक महीने के लोज देखे गए थे। ऐसा लगता है कि कुछ समय तक ये गिरावट जारी रहेगी और जब तक 755 के ऊपर लेवल नहीं जा पाते तब तक गिरावट का रुख जारी रहेगा और हम 732 से 728 तक के भी स्तर देख पाएंगे। इसलिए शुरुआती दौर में हमें नरमी का रुख देखने मिलेगा, जो भी उछाल आता है उसमें सेल ऑन रैलीज करके चला जा सकता है जहाँ तक कॉपर का सवाल है। वहीं पर पिछले हफ्ते हमने जिंक की भी बात की थी कि 338 से लगातार गिरावट से 323 के क्लोज दिए हैं, 316 के टारगेट्स डिस्कस हुए थे, हालांकि उसके भी नीचे बाजार ने क्लोज दिया है 311 के करीब। ऐसा लगता है आने वाले हफ्ते में 316 से 317 का एक रेजिस्टेंस होगा और दाम इसके ऊपर नहीं जा पाएंगे, इमीडिएट तौर पर 307 तक जाने की उम्मीद बनी हुई है। वहीं पर एल्यूमिनियम में भी हमें गिरावट का रुख देखने मिला है और ऐसा लगता है 220 के जो टारगेट की बात हुई थी अब वो एक रेजिस्टेंस है और इमीडिएट तौर पर 205 तक दोबारा दाम जाने की उम्मीद है। इसके सबसे बड़े कारण जो एक रिस्क ऑफ सेंटिमेंट है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में इक्विटी में जो गिरावट हो रही है, चीन में दोबारा लॉकडाउन की स्थिति है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ग्रोथ स्लोडाउन की भी आशंका है, क्योंकि हमने जो रीसेंट हाउसिंग डेटा या मैन्युफैक्चरिंग डेटा आते हुए देखे हैं यूएस से, यूरोप से या यूके से, वो कहीं ना कहीं उम्मीद से थोड़े कम आए हैं, जिस वजह से ये आशंका लगाई जा रही है या अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं अगर इसी तरह से सिंक्रोनाइज्ड सेंट्रल बैंक एक रेट इंक्रीज होगा, चाहे वो यूएस सेंट्रल बैंक हो या बैंक ऑफ इंग्लैंड या फिर यूरोपियन सेंट्रल बैंक या फिर हमने स्विट्ज़रलैंड की नेशनल बैंक को भी 15 सालों के बाद इंटरेस्ट रेट्स या ब्याज दरें बढ़ाते हुए देखा है, तो एक सिंक्रोनाइज वे में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती हैं यानी लोन लेना महंगा हो जाता है, उससे बिजनेस में स्लोडाउन आता है, इस कारण कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि जो बेस मेटल्स की निवेश मांग है और जो ग्राउंड लेवल पे मांग है, जो इंडस्ट्री की तरफ से मांग होगी, उसमें कमी आ सकती है, जिस वजह से कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम और निकेल हमने सारे ही काउंटर्स में एक नरमी का माहौल आते हुए देखा है। अब बात करते हैं कच्चे तेल और नेचुरल गैस की। हमने देखा क्रूड ऑयल में जो पिछले हफ्ते हमने तेज़ी की बात की थी, शुरुआती दौर में हफ्ते के डेफिनेटली नए ऊंचाइयां बनते हुए देखी हैं हमने, 9635 से 40 तक के स्तर आते हुए देखे, हालांकि उसके बाद एक बड़ी गिरावट आते हुए देखी है। इसके बावजूद कि कहीं ना कहीं यूएस की जो एक एजेंसी है उसने ईरानियन पेट्रोकेमिकल सप्लायर्स पे और चीन और यूएई के जो पेट्रोकेमिकल डीलर्स हैं उन पे भी सैंक्शंस लगाए हैं, तो भी उसके बाद भी हमने कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों पे दबाव आते हुए देखा। 9700 का जो स्तर था वो ब्रीच नहीं हो पाया, हालांकि उसके काफ़ी करीब प्राइसेस गई थी और उसके बाद एक बड़ी गिरावट के साथ जो जुलाई वायदा है उसने क्लोज दिया है 8500 के करीब। आने वाले कुछ समय में ये गिरावट का माहौल बना रहेगा। यहाँ पर भी क्योंकि एक इंडस्ट्रियल स्लोडाउन और एक रिसेशन या एटलीस्ट एक स्लोडाउन की बात हो रही है, इकोनॉमिक स्लोडाउन की, इसके चलते ऐसा लगता है कि ऊपरी स्तरों पे जो मांग है, जो डिमांड है, उसमें कमी आ सकती है। हालांकि सप्लाई सिचुएशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि डिमांड जो है वो घट सकती है, इसके चलते हमने कच्चे तेल में गिरावट का रुख देखा है। ऐसा लगता है कि इमीडिएट तौर पर जब तक 9000 से 8800 के नीचे प्राइसेस रहेंगी तब तक उछाल पे बिकवाली की जा सकती है और निचले स्तरों के अगर बात करें तो 8100 से 8000 तक के भी लेवल हमें देखने मिलेंगे। एक बहुत बड़ा रेंज हमने पिछले 4 महीनों में देखा है जहाँ पर ये दायरा 7000 से 9600 से 9800 का बना हुआ है। हमने 10000 के करीब के भी लेवल देखे थे, लेकिन एक बहुत बड़ी रेंज है, तो ऐसा लगता है कुछ समय तक इस रेंज में प्राइसेस जो हैं वो ट्रेड कर पाएंगी। वहीं नेचुरल गैस में जो बड़े तौर पे हमने बात की थी कि अपसाइड कहीं ना कहीं लिमिटेड या सीमित लगता है, हमने काफ़ी बड़ी रैली देखी है पिछले 2 सालों में, लगभग 110 से लगभग 750 तक के लेवल देखे हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि गिरावट का दौर शुरू हुआ है और 560 से 557 तक के भी क्लोज हमने आते हुए देखे हैं नेचुरल गैस में, डोमेस्टिक मार्केट्स में। यहाँ पर उठापटक बहुत है, अपसाइड में हमने 620 से 625 तक भी लेवल जाते हुए देखे, लेकिन एक प्रकार से जो मंदी की ग्रिप है फिलहाल नेचुरल गैस में बनी हुई है और ऐसा लगता है कुछ समय तक ये जो गिरावट है ये जारी रहेगी।
यूएस में जो रिसेंटली सप्लाई डिसरप्शन हुआ है उससे यूएस के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो नेचुरल गैस एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इससे जो डोमेस्टिक मांग है उस पर जो सप्लाई है खास करके उसमें बढ़त हुई है। इस वजह से जो यूएस बेस्ड नेचुरल गैस है जो हमारे यहाँ पर भी ट्रेड होती है एमसेक्स पर, उसमें दाम जो है वो गिरे हैं और ऐसा लगता है कुछ समय तक ये माहौल बना रहेगा। हम डाउनवर्ड अगर टारगेट्स की बात करें, डाउनसाइड टारगेट की बात करें, तो लगभग 520 और उसके बाद 505 के स्तर भी देखने मिलेंगे। हालांकि ये ज़रूर कहूँगा कि उठापटक यहाँ जारी रहेगी। हो सकता है शुरुआती दौर में 590 से 605 तक के स्तर देखने मिले, लेकिन वो एक बिकवाली का मौका होगा और 520 से 505 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं। तो ये था एक जायज़ा कि जो मेजर नॉन एग्री कमोडिटीज़ ट्रेड होती हैं अब वहाँ पर क्या रुझान देखने मिलेगा आने वाले कुछ दिनों में। धन्यवाद।